हेलो एवरीवन, दिस इज लारे म्यूजिक गिटार लेसन्स। आज थोड़ा सा जानेंगे एक्सरसाइजेस के बारे में ही। और पहले हम देखते हैं कि पिछले हमने क्लास में हमने क्या किया था। तो पिछले क्लास में हमने ये किया था कि यहाँ से हमने प्लक्ट्रम को ऐसे पकड़ के अप डाउन सिक्स के सिक्स वायर्स पे किया था, और यहाँ से टिप से बिल्कुल फिंगर की 1 2 3 4, यहाँ से अप डाउन, और यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ से अप डाउन, ये हमने किया था। आज हम एक्सरसाइज में करेंगे इसी को बैकवर्ड्स में। इसको हम करेंगे 4 3 2 1। अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट रखना, इसको ऐसे नहीं करना, ये पहले ही बताया था मैंने, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है अंगूठा आपको। इसको टिप से लेना है बिल्कुल वही 4 3 2 1, और यहाँ से अप डाउन, वही से अप डाउन, और यहाँ से 4 3 2 1 4 3 2 1, और इसको तब तक करना है आपको जब तक आपका एक टेम्पो में ना हो जाए। मिनिमम ये हमें टेम्पो मेंटेन करना है 1 2 3 4 4 3 2 1, और यहाँ से अप डाउन ही चलता रहेगा 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। जब तक आपका मिनिमम इस टेम्पो में ना हो जाए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक आपका बिल्कुल आपको इसको, इस एक्सरसाइज को आपको मिनिमम एक दिन में 1 आवर तो करना ही करना है। चाहे आप उसको बांट के कर लीजिए, चाहे एक साथ कर लीजिए, बिल्कुल डेडिकेशन से आपको इसको 1 आवर तो करना ही है एक दिन में, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और इसको आपको यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दर्द भी होगा, बट उसकी हमें प्रॉब्लम नहीं है। 4 3 2 1, अभी हमें इतना ही करना है। और इसके बाद आपको मैं इसी क्लास में एक और एक्सरसाइज बता देता हूँ कि जब आपका ये टेम्पो में हो जाए इसमें 1 2 3 4 4 3 2 1, इसके बाद आपको इसको आगे लेके जाना है 1 2 3 4 को। मैं बताता हूँ आपको कैसे 1 2 3 4, फिर सेकंड फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर रखनी है, वहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर थर्ड फ्रेट पे फर्स्ट फिंगर रखनी है 1 2 3 4। अगर इसको हम कॉन्टिन्यूस तरीके से करेंगे तो ऐसे होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको इसको एक टेम्पो में ही करना है, हमें टेम्पो मेंटेन करके रखना है। अगर टेम्पो नहीं मेंटेन करेंगे तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आपको इसको 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4। टेम्पो का मतलब अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। टेम्पो का मतलब ये होगा कि आप जो 1 2 3 4 कर रहे हैं उसके बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4, ये जो है इसके बीच के जो 1 2 3 4 है इनके बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो वो टेम्पो में नहीं है, ये टेम्पो में नहीं है, टेम्पो में ही है 1 2 3 4। इसी को आपको आगे लेके जाना, आपको मैंने अभी बताया, जैसे कि ठीक है, इसको आप आगे ले जाएंगे, यहाँ तक ले जाइए इसको, फिफ्थ फ्रेट तक, फ्रेट आपको बताया था मैंने, फिफ्थ फ्रेट तक आपको यहाँ से लेके जाना, और फर्स्ट वायर पे करना है इसको सिर्फ 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ तक आपको करना है और एक टेम्पो में, ठीक है। अब जब ये आपका अच्छे से हो जाए, बिल्कुल अच्छे से क्लियर बज रहा है, और यहाँ से आपका बिल्कुल हाथ फ्री हो गया, बिल्कुल अच्छे से बज रहा है, तो आपको इसको रिवर्स करना है फिर वही, जैसे कि अब रिवर्स, आपको फिर इसको पहले फॉरवर्ड और फिर रिवर्स 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, इतनी तेज नहीं करना है, स्टार्टिंग में नहीं होगा बट आपका धीरे धीरे हो जाएगा, ओके ठीक है। 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1, ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज हमने ये करी है,
ठीक है, आज के लिए हम इतनी एक्सरसाइज करेंगे, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और इसको पूरी डेडिकेशन से करिएगा, नहीं तो ये नहीं होगा। ओके, थैंक यू।